रेड कस्टम कार्ड। एक्चुअली रेड कस्टम कार्ड मिलेगा कहाँ? मिलेगा तो यहाँ पर काम कैसे करेगा? सब कुछ बारे में बहुत सारा फ्रेंड का डाउट है। वो बहुत सारा फ्रेंड मेरे को कमेंट कर रहे थे, कैसे मिलेगा भाई रेड कस्टम कार्ड बताओ यार। तो फाइनली गाइस वीडियो लेकर आ चुका हूँ कैसे आपको रेड कस्टम कार्ड मिलेगा। तो हेलो वेलकम फ्रेंड, कैसे हो भाई लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया हो और आप सभी को वेलकम और फ्रेश न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज के वीडियो सच में गाइस बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले बात कर ले तो रेड कस्टम कार्ड के बारे में, तो बहुत सारा फ्रेंड येलो कस्टम कार्ड के लेकर खेल चुके हो, लेकिन रेड कस्टम कार्ड एक बहुत ही यूनिक जो है आइटम है और ये OB27 में आ चुका है, सबको पता है। और जिसको नहीं पता है वो मेरा आगे का वीडियो नहीं देखता है शायद, इसीलिए आपको नहीं पता है। मैं 2-3 जो है दिन के OB27 जब अपडेट आया था उसका 2-3 दिन पहले मैंने बता चुका था जो है रेड कस्टम कार्ड का एक्चुअली 4 कस्टम कार्ड आएगा। तो रेड कस्टम कार्ड आ चुका है और 2 कस्टम कार्ड बाद में आ सकता है। तो रेड कस्टम कार्ड अभी अवेलेबल है, तो रेड कस्टम के बारे में बात कर लिया जाए। तो सबसे पहले क्रेडिट अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडवांस मोड पे जाओगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आप जब यहाँ पर क्लासिक मोड को क्लैश स्क्वाड मोड में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एडवांस सेटिंग जो ऑप्शन है ना, एडवांस सेटिंग को ओपन कर लेना है। करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर रेड कस्टम कार्ड 0 दिखा रहा है और येलो कस्टम कार्ड मेरा 22 है और 22 रखा हूँ सब आप लोगों के गिव अवे के लिए। आपको पता है मैं गेम प्ले करके जो विन होता है उसको गिव अवे देता रहता हूँ, तो इसीलिए 22 कस्टम कार्ड है मेरे पास और 30 कस्टम कार्ड मैं रखूँगा आपको 30 डीजा लुक देने के लिए। तो जल्दी से जल्दी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया करो यार। जो भी फ्रेंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं है फटाफट सब्सक्राइब कर डालो। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर एडवांस मोड को ओपन करते यहाँ पर रेड कस्टम कार्ड शो कर रहे हैं, लेकिन हमारा पास 0 रेड कस्टम कार्ड है। तो आपको कहाँ से मिलेगा, मेन जो प्रॉब्लम है ये कहाँ से मिलेगा? तो टोटल 3 जगह से आपको मिल सकते हैं और 3 जगह से भी आपको कुछ जगह से पैसा देना पड़ेगा, कुछ जगह से फ्री में आपको मिल सकता है। तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करूंगा। तो उसके पहले मैं बात कर लेता हूँ रेड कस्टम कार्ड का काम क्या है, रेड कस्टम कार्ड का कैसे येलो कस्टम कार्ड रेड कस्टम कार्ड दोनों का कंपैरिजन क्या है। आप तो पहले से येलो कस्टम कार्ड से खेल रहे हो क्लैश स्क्वाड तो कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, तो रेड कस्टम आ जाने से क्या फर्क होगा, तो उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं फ्रेंड। तो रेड कस्टम कार्ड एक बहुत ही यूनिक कस्टम कार्ड होगा और रेड कस्टम कार्ड जो है क्लैश स्क्वाड मैच में बहुत ही धमाल मचा देगा। जैसे आप क्या करते हो, आप जब बहुत ही टूर्नामेंट होता है जो है छोटा मोटा एरिया में बहुत ही 500,000 पैसे का टूर्नामेंट होता है, आ जाओ क्लैश स्क्वाड खेलेंगे 1 vs 1 4 vs 4 ऐसा क्लैश स्क्वाड मैच होता है जो टूर्नामेंट होता है, छोटा छोटा टूर्नामेंट होता है जिसमें आप विन होते हो, आपको कुछ एंट्री देकर पार्टिसिपेट करना पड़ता है और आप विन होते हो तो उसमें आपको बहुत सारा पैसा मिलता है। तो जैसे गैम्बलिंग ऐसा ही हो रहा है तो ये भी हमारा एरिया में भी होता है और आपका एरिया में होता है कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसे क्रिकेट फुटबॉल का जैसे मैच जो टूर्नामेंट हो रहा है, अभी फ्री फायर का भी टूर्नामेंट हो रहा है जिसके अंदर आप क्लैश स्क्वाड खेलोगे तो आप जो है विन हो सकते हो, और जो मैं बताया एंट्री भी आपको देना पड़ता है 500-600 ऐसा एंट्री भी देकर आपको जो है एंट्री लेना पड़ता है। एंट्री लेने के बाद आप जब विन होगे तो ढेर सारा पैसा आपको मिल जाएगा। तो इस मोड को, इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने के लिए ये रेड कस्टम कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रेड कस्टम कार्ड क्या होगा, आपका जो टूर्नामेंट होगा उसका जो भी कंडीशन है कुछ भी प्लेयर को बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो किस गन का कितना प्राइस रखोगे और कौन सा राउंड में किस गन का कितना प्राइस रखोगे। बहुत ही एडवांस लेवल का ये जो है कस्टम कार्ड है यार, ये कस्टम कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जो बंदा यूज़ करेगा एक बार उसको बार बार यूज़ करने का मन करेगा। मैं एक एक करके सब कुछ बारे में बात कर लेता हूँ। तो आपको मान लीजिए 5 राउंड में कुछ गन को यहाँ पर नहीं रखना है तो उसको आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हो, कुछ गन को रखना है नहीं तो आप प्लेयर गुस्सा हो जाएगा, लेकिन उसका प्राइस इतना हाई कर दोगे तो वो यहाँ पर उसको पर्चेस नहीं कर पाएगा। तो उस तरीके का भी आप एडिटिंग यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पूरा एडिटिंग होगा, एडवांस लेवल का एडिटिंग होगा, कस्टमाइज होगा, जो आपका मन में लगेगा उसी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक गन
M500, G80, Desert Eagle सब कुछ इसमें टिक कर दोगे तो ये गन रहेगा, और इसमें अनटिक कर दोगे तो ये गन नहीं रहेगा। और इसका प्राइस 400 रुपीज़ है। डेजर्ट ईगल का 800 रुपीज़, आपको पता ही है 800 रुपीज़ होता है डेजर्ट ईगल का, उसको आप इंक्रीज करके देखिए 1300 रुपये में 1400-1500 रुपये कर सकता हो। तो ऐसे करके आप इंक्रीज कर सकते हो, फार्मास का भी इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर गन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेक्टर गन आप यहाँ पर कुछ मैचों में रख भी सकते हो। मान लीजिए आप 3 राउंड में, 2 राउंड ऐसा ही चलेगा, 3 राउंड में आप यहाँ पर वेक्टर रखना चाहते हो। जैसे 2 राउंड कोई भी एनी टूर्नामेंट कोई भी प्लेयर हार गया है, उसको 3rd राउंड में मैच को घुमाने के लिए डबल वेक्टर चाहिए, तो डबल वेक्टर आप 3rd राउंड में रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ऐसा ही कस्टमाइज यहाँ पर कर सकते हो, बहुत ही एडवांस लेवल का कस्टमाइज होगा। देखिए यहाँ पर विजिट लेवल 2, विजिट लेवल 4, विजिट लेवल 3, हेलमेट लेवल 2, ऐसा ही करके, सॉरी विजिट बोल रहा हूँ, मेरा भी गलती हो गया यहाँ पर, वेस्ट लेवल 2, वेस्ट लेवल 3, वेस्ट लेवल 4, हेलमेट लेवल 2, हेलमेट लेवल 3, ऐसा ही करके रिवाइव रिपेयर किट, आप ग्रेनाइट, स्मोक ग्रेनाइट, जो कुछ भी मशरूम को भी यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। सभी कुछ कस्टमाइज होगा, बहुत ही एडवांस लेवल पे कस्टमाइज होगा। और मेन जो पॉइंट है जिसके लिए आप यहाँ पर इतना टाइम से वीडियो देख रहे हो, ये रेड कस्टम कार्ड मिलेगा कहाँ? तो रेड कस्टम कार्ड तीनों एरिया से मिल जाएगा आपको, मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 है स्टोर में आपको मिल जाएगा। स्टोर में अभी येलो कस्टम कार्ड का प्राइस है 100 डायमंड, और ये रेड कस्टम कार्ड का प्राइस होगा यहाँ पर 200 डायमंड। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी आएगा स्टोर में अवेलेबल होगा तो रेड कस्टम का प्राइस होगा 200 डायमंड। और गाइज ये तो पहला ऑप्शन चला गया, 200 डायमंड से कोई भी बंदा परचेस कर सकते हो। और गाइज 200 डायमंड उतना कॉस्टली नहीं होगा, क्यों बता रहा हूँ, एक मैच आप 500 रुपीज़ से NTP देकर घुसोगे तो 200 डायमंड से एक तो कस्टम कार्ड बनता है। उसमें थोड़ा सा पैसा खर्च होगा आपका, आप मंथली मेंबरशिप वीकली मेंबरशिप लोगे तो थोड़ा सा पैसा आपका खर्च हो जाएगा और आपका एक टूर्नामेंट हो जाएगा। तो ऐसा ही करके 200 डायमंड से आप स्टोर में से भी खरीद सकते हो। और गाइस 2 ऑप्शन हैं, ये पर मिल सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन स्टोर में मिलेगा ये कन्फर्म है। और 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपको रेड कस्टम कार्ड होती क्या है इसको जानने के लिए गैरिना क्या करेगा, कुछ कस्टम कार्ड आपको बिल्कुल फ्री में मूव में बांट देगा। जैसे आपका मन में जो है क्या क्या होगा, कैसे होगा रेड कस्टम कार्ड, इस सब का मन में ना डाउट चल रहा है, तो उसको क्लियर करने के लिए गैरिना क्या करेगा, 5, 6, 10 ऐसा कस्टम कार्ड आपको मूव में दे देगा। आप उसको लेकर खेलोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप भी चाहते हो ऐसा ही बहुत सारा कस्टम कार्ड लेकर खेलने का, तो उसी टाइम क्या करेगा, स्टोर में अवेलेबल कर देगा, तो आपको डायमंड खरीदना पड़ेगा, उसका ही प्रॉफिट होगा। तो आपको लालच देने के लिए कुछ जो है कस्टम कार्ड, रेड कस्टम कार्ड आपको फ्री में दे सकते हैं। तो 2 ऑप्शन भी यहाँ पर हो गया, एक फ्री में मिलेगा, एक स्टोर में मिलेगा। और ये जो फ्री में ये हो सकते हैं, मेरा मानना है हो सकता है। और लास्ट जो है ये भी हो सकता है, जैसे क्या करते हैं फ्राइडे को आपको येलो कस्टम कार्ड मिल जाता है, ऐसा ही रेड कस्टम कार्ड येलो कस्टम कार्ड दोनों ही फ्राइडे में आपको फ्री में मिल सकते हैं। हर फ्राइडे को एक एक करके रेड कस्टम कार्ड और येलो कस्टम कार्ड मिलने का चांसेस हैं। ऐसा ही भी लीक मिल चुका है, मैं यहाँ पर कोई भी 80-90-100% चांस नहीं देख सकता, मैं यहाँ पर 40% बोल रहा हूँ ऐसा ही हो सकता है। आपको हर फ्राइडे को रेड कस्टम कार्ड शायद फ्री में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इस फ्राइडे को मिलेगा और उसके बाद फ्राइडे को नहीं मिलेगा, उसके बाद जो 3rd नंबर फ्राइडे है उसमें आपको मिल जाएगा, ऐसा ही हो सकता है। लेकिन रेड कस्टम कार्ड येलो कस्टम कार्ड के से बहुत ही महंगा होगा। और आगे में से ड्रोन कस्टम कार्ड, ऐसा ही कुछ कस्टम कार्ड आएगा एक एक करके, सभी कस्टम कार्ड टोटल 4 कस्टम कार्ड आने का चांसेस हैं। तो कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ बहुत ही आपको इस वीडियो से नॉलेज मिल चुका है। तो मिला है तो प्लीज पहले एक लाइक कर देना, एक लाइक से फ्रेंड मोटिवेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। तो अभी तक सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अलग वीडियो पे, तब तक अच्छे रहना भाई लोग, बाय बाय।